नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं एके एस राजवीर, आपका अनअकैडमी और YouTube एजुकेटर। एंड लर्नर्स, आज ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स का ये 7th पार्ट है। अगर आपने 1 to 6 पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि एक बार जरूर देखें। लर्नर्स, आज के इस वीडियो में मैं इन 5 पॉइंट्स पर आपके साथ बात करने वाला हूँ। सो दीज आर दी 5 पॉइंट्स, और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिल जाएगा आज मेरे साथ, और एक बहुत अच्छा कंपैरेटिव एनालिसिस भी। देखिए, मेटाफिजिकल कंसीट और कंसीट के बारे में जानेंगे, कन्फेशनल पोएट्री के बारे में जानेंगे, कपलेट और हीरोइक कपलेट के बारे में जानेंगे, एंड देन कर्टल सोनेट एंड देन एनापिस्ट। और कर्टल के साथ मैं आपको कर्टल सोनेट के साथ सोनेट और एनापिस्ट के साथ डैक्टिल को समझाने की कोशिश करूंगा। सो लर्नर्स, ये जो आज की क्लास होगी इसको कंप्लीट देखिएगा, और अगर आप इसे कंप्लीट देखेंगे तो आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। कंसीट, सो लर्नर्स, कंसीट और मेटाफिजिकल कंसीट वैसे सिमिलर है दोनों, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं। कंसीट लर्नर्स एक एक्सटेंडेड मेटाफर है, जैसे सिमिली में एज लाइक सो का यूज करके कंपैरिजन किया जाता है दो चीजों के बीच में। मेटाफर में बिना जो ये वर्ड है एज लाइक सो को बिना यूज किए हुए कंपैरिजन किया जाता है। सो मेटाफर का एक्सटेंडेड जो फॉर्म है दैट इज नोन एज कंसीट। ओके, सो यहां पर आपको कंपैरिजन मिलेगा टू वेरी वेरी डिसिमिलर थिंग्स में, बहुत ही जो डिसिमिलर होंगी उनके बीच में आपको कंपैरिजन मिलता है कंसीट में। क्लियर है? कंसीट को लर्नर्स पेट्रॉक ने यूज किया, शेक्सपियर ने यूज किया, एडमंड स्पेंसर ने यूज किया, बहुत सारे आपके जो रेनेशा पोएट्स थे उन लोगों ने इसको बहुत ही बढ़िया से यूज किया है। अब लर्नर समा जाते हैं मेटाफिजिकल कंसीट में। सो मेटाफिजिकल कंसीट, व्हाट इज द मेटाफिजिकल कंसीट? सो मेटा, सबसे पहले मेटा और फिजिकल, सो मेटा मींस बियॉन्ड एंड फिजिकल मींस बॉडी एंड कंसीट मींस, सो आप समझ सकते हैं अ फार फेच्ड कंपैरिजन। सो बियॉन्ड बॉडी एक फार फेच्ड कंपैरिजन, बियॉन्ड बॉडी अ फार फेच्ड कंपैरिजन। सो लर्नर से जो फार फेस्ड कंपैरिजन होगा, सो बिटवीन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि फिजिकल थिंग और स्पिरिचुअल थिंग के बीच में एक फार फेस्ड कंपैरिजन किया जाता है, दैट इज नोन एज मेटाफिजिकल कंसीट। एग्जाम्पल देख लेते हैं लर्नर्स। मेटाफिजिकल कंसीट के बेस्ट जो एग्जाम्पल मिलते हैं वो जॉन डन की पोएट्री में। जॉन डन ने लिखा अवेलेडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग, द फ्ली, कुछ ऐसी पोएम्स है जिनको लिखा है जॉन डन ने। एक मेटाफिजिकल पोएट कंसीडर किए जाते हैं जॉन डन। सो मेटाफिजिकल पोएट होने की वजह से उन्होंने लिखा ये जो पोएम है अवेलेडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग। सो यहां पर एक लवर है और एक बिलवेड है, एक लवर और एक बिलवेड। लवर है जो वो घर छोड़ करके जाने वाला है, जाने के लिए रेडी है, और अपनी बिलवेड को रोने से मना कर रहा है कि वो मौन ना करे, बिलाप ना करे, रोए ना। सो लर्नर्स, जो लवर है वो कंपेयर करता है, यानी कि लवर और बिलवेड अपेयर, यानी कि आप देख लीजिए जैसे कि लवर एंड बिलवेड। ओके, सो बिलवेड ये दोनों क्या बन गया? सो लर्नर्स, ये एक पेयर बन गया, पेयर या कपल आप कह सकते हैं। इसी तरह जो कंपैरिजन किया है जॉन डन ने, सो ही इज गोइंग टू कंपेयर विद कंपासिस, कंपासिस। So learners, जो ट्वीन स्टिफ होती है कंपास की, COMPASSES, कंपासिस, कंपास से कंपैरिजन किया है। कंपास में आप देखते हैं कि एक फिक्स फिट है, जैसे ये कंपास है और एक ये सर्कलिंग फिट होती है, ये जो यहां से ऐसे राउंड करेगी और ये फिक्स्ड रहेगी। सो बिलवेड को कहा कि यू आर फिक्स्ड फिट एंड जो राउंड करती है सो वो मैं हूं, दिस इज वॉट। So this is a comparison, a far-faced comparison. कैसा comparison? एक far-faced comparison. Okay? So yes, देख सकते हैं, as stiff twin compasses are two. हम दो हैं, लेकिन दो हो करके भी एक है. And जैसे ये होती हैं दो stiff compass की, जो ये stiffs हैं compass की. Dyson, the fixed fit, मैंने बताया आपको, makes no show. यानी कि जो तुम्हारी, जो तुम हो, स्टेबल हो, वो शो नहीं होती, लेकिन अदर करती है, लेकिन अदर के साथ तुम भी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ कंपैरिजन दैट इज नोन एज मेटाफिजिकल कंसीट।
सो बियॉन्ड बॉडी जो कंपैरिजन है दैट इज नोन एज मेटाफिजिकल कंसीप्ट. सो बॉडली कंपैरिजन एंड स्पिरिचुअली कंपैरिजन दैट इज. नाउ सी लर्नर्स, वी हैव अनदर पॉइंट एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कर्टल सोनेट. सो लर्नर्स, आप जानते हैं सोनेट को सबसे पहले जान लीजिए. सो अब हम बात करेंगे SONET सोनेट. एक 14 लाइन की लर्नर्स पोयम होती है सोनेट, और टू टाइप की होती है. एक तो लर्नर्स आपको मिल जाएगी पैट्रा की, PETRARCH पैट्रा, एंड दूसरी लर्नर्स जो शेक्सपियरियन सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट. ओके, पैट्राकन सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट. सो पैट्राकन सोनेट में आपको मिलता है ऑक्टेव एंड सिस्टेट, ऑक्टेव एंड सिस्टेट, यानी कि 8 प्लस 6 लाइंस इक्वल टू 14 लाइंस. शेक्सपियरियन में लर्नर्स आपको मिलता है क्वार्टेन एंड कपलेट. सो क्वार्टेन 4 लाइन 4 इंटू 3, सो यस, एंड कपलेट सो 2 लाइंस. ओके, सो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 प्लस 2. सो लर्नर्स आपको जो क्वार्टेन 3 क्वार्टेन, सो मैंने आपको क्वार्टेन बताया कि ये 12 प्लस 2 इक्वल टू 14 लाइंस. सो दिस इज व्हाट शेक्सपियरियन सोनेट एंड पेट्राकन सोनेट, एंड दिस इज द कर्टल सोनेट. लर्नर्स, जो कर्टल सोनेट है इसको ओरिजिनेट किया था जी एम हॉपकिंस ने. और कर्टल सोनेट 10 एंड हाफ लाइन होती है. हाउ मेनी लाइंस? सो 10 एंड हाफ लाइन, 11 लाइंस हम कभी कभी कह देते हैं इसे, 10 एंड हाफ लाइंस. ओके, और यहां पर जो लर्नर्स स्ट्रक्चर होता है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है. 10 एंड हाफ लाइन जो ये पेट्राकन फॉर्मेट है ऑक्टेव एंड सिस्टेट का. सो जो ये ऑक्टेव है ये बन जाता है सिस्टेट, सो 6 लाइंस, एंड जो ये कंप्लीटली सिस्टेट है सो सिस्टेट बन जाता है क्वार्टेन, सो 4 लाइंस. सो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 एंड 1 हाफ लाइन मोर, सो इज इक्वल टू लर्नर्स 10 एंड हाफ लाइंस. सो दिस इज व्हाट अ कर्टल सोनेट इज. सो लर्नर्स, बिल्कुल आपको पता है कि ये जो पेट्राकन फॉर्म ऑफ सोनेट जहां पर 8 प्लस 4 का जो स्ट्रक्चर, 8 प्लस 6 का जो स्ट्रक्चर था, ये चेंज हो जाता है 6 प्लस 4 एंड प्लस half line. So this is known as curtain sonnet. Clear hai? Now, what is dactyl? So dactyl learners, jab hum dekhte hain, so dactyl ka matlab hota hai ki jo ek stressed syllable or accented syllable followed by two unaccented syllable. So bilkul simple sa agar aap ise likhna chahe, so simple sa likh sakte hain kaise? Ki dactylic means ek accented, so stressed syllable and two unstressed syllable. आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं. So that is dactylic. Okay? And then अगर आप देखें anapist, so learners, जो dactylic का opposite या कहें कि anapist का जो opposite, चाहे anapist का कह लीजिए, चाहे dactylic का, जो भी कह लीजिए, आप दोनों कह सकते हैं. Dactyl और anapist. So learners, anapist opposite होगा. सबसे पहले यहाँ पर anapist में क्या होगा कि two unstressed and one stressed syllable, so that is known as anapist. Clear learners ki dactyl one stressed two unstressed, yani ki agar aap ise likhna chahe so aise 12 likh dijiye, easily yaad ho jayega, aur agar aap isko likhna chahe so ise 21 likh dijiye, but aapko yaad rakhte waqt dhyan rakhne ki zarurat ye hogi ki stressed aur unstressed kya hoga. So आपको लर्नर्स यहां पर सिंपली स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड और यहां पर अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड. सो डैक्टिलिक एनापिस्ट एनापिस्ट डैक्टिल. नाउ लर्नर्स वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें लर्न करनी है लर्नर्स. सो अब यहां पर हम देखते हैं कि कपलेट, और मैंने कपलेट की आपसे बात किया था कि कपलेट क्या होता है. सो लर्नर्स कपलेट आप देख लें कि कपलेट क्या है. सो कपलेट लर्नर्स, बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि दो यहां पर कपलेट में क्या आपको मिलने वाला है. कपलेट में एक इंपॉर्टेंट चीज जो मिलती है वो ये है लर्नर्स कि यहां पर एक पेयर होगा. कपलेट का मतलब COUPLE, कपल, यानी कि जोड़ा. दो लाइंस होंगी, एंड दो लाइंस जो होती है लर्नर से, इन दो लाइंस में जो लास्ट की लाइन होगी वो राइम करेगी. कपल में, कपलेट में कोई भी लाइन है, कोई भी मीटर हो, इससे कोई मतलब नहीं हमें. Usually rhyming lines known as couplet, और same length की होना चाहिए, ये आपको याद रखना है.
सो देखिए, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कल्ड्रन बबल, ये लर्नर्स मैकबेथ की लाइन है. मैकबेथ जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा एक बेस्टर ट्रेजेडी, ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन. सो कपलेट में आपने देखा कि डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कल्ड्रन बबल, एंड ये लर्नर्स राइमिंग आपको हो रही. सो इट मीन्स कि अगर इसकी राइमिंग लिखे तो हम ए ए लिख सकते. अब आइए लर्नर्स जान लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कपलेट एंड हीरोइक कपलेट, क्योंकि आपने कपलेट पढ़ा सो अब हीरोइक कपलेट को जान लेते हैं. सो लर्नर्स, हीरोइक कपलेट एक स्पेसिफिक टाइप का कपलेट होता है. ये स्पेसिफिक टाइप का कपलेट है जहां पर एक तो हीरोइक थीम के साथ ये डील करेगा. जो इस टाइप के कपलेट में जो बातें होंगी वो हीरोइक होंगी, और ये ऑर्डिनरी कपलेट से डिफरेंट होगा. ऑर्डिनरी कपलेट से, क्योंकि यहां पर आयंबिक पेंटामीटर को फॉलो किया जाएगा. आयंबिक पेंटामीटर को फॉलो किया जाएगा, यानी कि वहां पर आपको आयंबिक पेंटामीटर मिलेगा हीरोइक कपलेट में. लेकिन कपलेट में कोई जरूरी नहीं है कि आपको हीरोइक कपलेट, मतलब यहां पर आपको कि वो मिलेगा पेंटामीटर हीरोइक कपलेट में पेंटामीटर, लेकिन जो आपका सिंपल कपलेट है उसमें कोई पेंटामीटर नहीं हो सकता, कोई भी मीटर हो सकता है, राइमिंग लास्ट में जरूर होगी. ओके, Now see circumlocution. Circumlocation learners एक टर्म है, एंड circumlocation का मतलब है राउंड अबाउट वर्डिंग. What is the meaning of circumlocation? So राउंड अबाउट वर्डिंग. For example, you have yes, Samuel Taylor Coleridge. Samuel Taylor Coleridge ने लिखा है कुबला खान, कुबला खान. और यहां पर लर्नर्स एक लाइन लिखी है उन्होंने, Twice 5 miles of the fertile ground. Twice 5 miles. अगर मैं कहूं, देखिए TWICE twice and लिखा मैंने, then five and then लिखा miles. Okay. अब learners, अगर मैं इसे twice और five को हटा करके मैं कह दूं 10 miles, तो गलती क्या है? But घुमा फिरा करके जब किसी बात को roundabout wording, that is known as roundabout wording. जब उसी चीज को घुमा फिरा करके कह दिया गया कि twice 5 miles. यानी कि दो बार पांच पांच मील, सो दैट इज टू टाइम 5 miles, सो दैट बिकम ट्वाइस 5 miles. सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सर्कमलोकेशन. सो लर्नर्स, इसमें अगर आप देखें, सो आप ऑलवेज जो छोटे थोड़े शब्दों में, जिसे हम ओनली 10 miles के साथ, या ऐसे लिख देते 10 miles, TEN, और 10 बना देते, सो 10 miles के साथ लिख सकते थे, उसको हम थोड़ा ज्यादा में कह रहे हैं. So that is known as circumlocution. And now learners, confessional poetry. What is confessional poetry? So learners, confessional poetry का मतलब होता है, confession मतलब किसी भी चीज को accept करना या स्वीकार करना. और जब learners कोई confession करेगा, so confession एक अगर देखा जाए तो ये Christian term है. Confession करना यानी कि आपने कोई sin किया, आप church जाइए, confession कर लीजिए. ऑन द सेम वे जो अमेरिकन पोएट्स का ग्रुप है, जिसमें रॉबर्ट लॉवेल, डब्ल्यू सी स्नॉड ग्रास एंड सिल्विया प्लाथ, एन सेक्सटन, जॉन बैरीमन, और इवन कमला दास का नाम, इंडियन पोएटिस्ट कमला दास. सो कमला दास का नाम आप देख सकते हैं. सो इन लोगों ने लिखा है कन्फेशनल पोएट्री, और इस टाइप की पोएट्री में लर्नर्स ऑलवेज कन्फेशन किए गए हैं. ये जो टर्म है, रोजन थाल नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने 1959 के टाइम पीरियड में रिव्यू किया था लाइफ स्टडीज. ये पोइट्री थी किसकी? सो लर्नर्स, ये पोइट्री थी रॉबर्ट लॉवेल की. उनको स्टडी किया और वहां पर पाया कि लॉवेल ने यहां पर रिवील्ड हिज स्ट्रगल विद मेंटल इलनेस एंड ट्रबल्ड मैरिज. मेंटल इलनेस और ट्रबल्ड मैरिज, इन दोनों को डिपिक्ट किया है किसने? रॉबर्ट लॉवेल ने लाइफ स्टडीज में. ये बात कही थी किसने? रोजन थाल ने 1959 में. सो लर्नर्स, कन्फेशनल पोएट्री एक टाइप की पोएट्री जहां पर जो पोएट है उसका खुद का कन्फेशन, पर्सनल लाइफ, पर्सनल रिवीलिंग, और इसे हम लर्नर्स बहुत ही अच्छे से सेल्फ रिविलेटरी के साथ कंसीडर कर सकते हैं. सेल्फ रिविलेटरी वर्ड्स, सेल्फ रिविलेटरी वर्ड्स, दैट इज नोन एज कन्फेशनल पोएट्री. So learners, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ सीखने के लिए, लर्न करने के लिए. ये learners, मेरी 500 बेस्ट सीरीज चल रही है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फ्री है. 4 to 5 PM डेली आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. अनअकैडमी दी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए. एंड लर्नर्स, वन मोर रिक्वेस्ट,
प्लीज अगर आपकी कोर्स से रिलेटेड को अगर आपकी कोई क्वेरी हो, और वो भी सिर्फ यूजीसी नेट, अगर आप यूजीसी नेट का कंप्लीट पैकेज पेपर 1+2 दोनों पेपर्स का अगर आप चाहते हैं, सो देन आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हैं। बाकी लर्नर्स देखिए, टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी किसी भी टाइप की कोचिंग क्लासेस मैं नहीं प्रोवाइड करता, ओनली यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड करता हूँ। ओके लर्नर्स, सो इसलिए अगर यूजीसी से रिलेटेड आपकी क्वेरी है सो आप मुझे कॉल या मैसेज करें। बाय द वे, अगर आप टीजीटी पीजीटी या आपकी किसी अदर एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी है सो ना करें, यूजीसी नेट और सेट से रिलेटेड सिर्फ आप कर सकते। लर्नर्स देखिए, मेरे एक अपकमिंग क्रैश कोर्स है, मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ यूजीसी नेट जून 2020 के लिए, जहाँ क्रैश कोर्स है और ये मेरा कंप्लीट कोर्स एमसीक्यूज के साथ है। तो ये दोनों कोर्सेज को लर्नर्स आप एक सब्सक्रिप्शन के साथ, एक सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, और ये दोनों कोर्सेज आपको, और ये जो कोर्सेज है ये सारे कोर्सेज आपको एक्सेसिबल हो जाएंगे, और पेपर वन की अनलिमिटेड क्लासेस भी आप वॉच कर सकते हैं जो हमारी पेड है, और नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं हमारे इस सब्सक्रिप्शन के साथ। सो लर्नर्स, आप अगर चाहें सो 3 मंथ सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ या 12 मंथ, 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ मुझे अन अकेडमी प्लस पर ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी क्लासेस ले सकते हैं। सो लर्नर्स, देर मत कीजिए, जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लर्नर्स, ये जो मेरा रेफरल कोड है AKS राजवीर, इस रेफरल कोड को जरूर आप यूज कीजिएगा। इस रेफरल कोड को यूज करने से 10% का डिस्काउंट मिलता है, और मेरी स्पेशल क्लासेस वॉच करने से 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि आपको मिलेंगे कॉइन। सो लर्नर्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो देर किस बात की, कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अगली क्लास में फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए लर्नर्स, और ऑलवेज कुछ ना कुछ न्यू लर्न करते रहें। ओके लर्नर्स, और शेयर जरूर कर दें।